और इसका नाम मैंने नूरी रख दिया है और दूसरी वाली का नाम भूरी। एक सब्सक्राइबर का ही कमेंट था हमारे कि नूरी और भूरी, तो वो वाला नाम मैंने फाइनल कर लिया इनके लिए। इसका नाम नूरी जिसके सींग है, और जो दूसरी थी उसका नाम भूरी। हाँ, तुम सबसे पहले चोरी कर लो। तो मैं इस वाली को भी ले आया हूँ साथ के साथ उठा के, क्योंकि एक ही बार में देखे। अभी एक रोटी बची है, मैं वो भी लेके आता हूँ और फिर नीचे चलते हैं। रोज़े इफ्तार का भी टाइम हो रहा है। हाँ जी गाइज, वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा लेट हो गया मैं वीडियो बनाने में, शाम का टाइम है इस टाइम और बकरों में जा रहे हैं। आप यहाँ पे काम चेक करें, इस टाइम दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, ये वाले पिलर भी भर दिए गए हैं, वो वाले पिलर ऊपर तक भर गए हैं, यहाँ पे भी आज मिट्टी डली है, भरा हुआ है, ये वाला पिलर भी हमारा खुल गया देखें। ये यहाँ पे भराई हो गई है इस तरफ, ये वाली मिट्टी भी उधर डलेगी। यहाँ पे स्लोप बनाते हैं पहले, क्योंकि गधा जो लेके आता है सामान वो पहले इसके ऊपर पहले यहाँ पे बाहर डाला जाता है, जिससे स्लोप बन जाए, क्योंकि अच्छी खासी हाइट है, गधा एकदम से ऊपर नहीं जा सकता। तो पहले आधी मिट्टी बाहर डाल के स्लोप बनाया जाता है, जिससे वो उधर तक जाके फेंक सके। ये देखें, ये वाली दीवार सामने वाली कंप्लीट हो गई और इधर वाली दीवारें भी कंप्लीट हो गई हैं। ये अभी थोड़ी थोड़ी सी और उठेंगी मेरे ख्याल से। हाँ, जहाँ तक पिलर की लेंथ है वहाँ तक ये वाली दीवारें भी जाएंगी। अभी हम चलते हैं फिलहाल ऊपर और बकरों को डालते हैं खाना। सबसे पहले तो हमने बत्तखों का पानी और मुर्गियों का जो पानी है ये भर के रखा है, और अब सेकंड चीज़ हम करेंगे इनके लिए ब्रेड क्रम्स जाएंगे। ओए हट तो जाओ, गीला करके डालूंगा। अबे यार, इन्होंने तो झपट्टा मार दिया। हाँ अबे लो, इन्होंने तो गीला ही नहीं करने देनी मुझे। ये बिल्लियों के पास ब्रेड क्रम्स बचे हुए थे, वो डाले हैं मैंने। अभी फिलहाल पहले इसको अंदर ले, इसको देखें आलसी को। चल अल्हम्दुलिल्लाह, इनको भी पत्ती डालेंगे। और भी इनके लिए सामान है अभी, ये देखें छोटे वाले दोनों बिल्ली के बच्चे बाहर आ गए हैं, घरे वाला भी और फोन वाला भी और बाकी ओए छोटू, बाकी भी सब पीछे चलेंगे। बिल्लियों को भी बाद में डालेंगे, पहले बकरों को कर लें ज़रा सा, क्योंकि भूखे हो रहे हैं बकरों के। ये मुर्गियों के लिए चावल भी हैं इसमें, और बकरों के लिए तरबूज के छिलके भी हैं। इस टाइम भूखे होते हैं ना, तो सारी चीज़ खा जाते हैं। ये देखें, मुर्गियां भी बीच में चढ़ गई। इसको देखें, खैर ये पूरा खाई गया, बाकी मुर्गियां खा रही हैं, और इसमें जो है चावल बचे हुए हैं, मैं वो डालता हूँ सबसे पहले मुर्गियों को। मुर्गियां ही खाएंगी, बत्तखें भी खा लेंगी। खैर ये देखें, ये चावल बचे हुए थे जो नीचे लग जाते हैं ना, ये वो चावल थे जो कुत्तों के खाने में नीचे पतीले से लग जाते हैं, ये वो थे, हमने गुरज के अलग करके रख रखे थे। मुर्गियाँ बत्तखें सब यही खा रही हैं, और इन दोनों को मैं अभी रोटी खिलाऊंगा, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर हो गई हैं, इन्हें अभी रोटी खिलाऊंगा। हाँ लाइगर, तुझे भी दे रहा हूँ, रुक जा। ये देखें सारे तरबूज खा रहा है, सबसे ज़्यादा तरबूज शौक से यही खाता है। टाइम अब ये भी पहले भूखी ज़्यादा ही हो रही हैं, तो मैं इन्हें भी खाना डाल देता हूँ। देखें इधर ये दो बच्चे अलग खेल रहे हैं, वो पैर के नीचे मत आ जाना। इस टाइम ये बड़ा डर होता है जब बच्चे इतने बड़े होते हैं ना, कि पैर वैर के नीचे ना आ जाए। लो लो, और खाला लो, तुम भी लो।
ये चारों खा रहे हैं, इनका पानी भरा हुआ है। ये छोटे बच्चे भी आने लगे हैं आगे धीरे धीरे। हम पत्ती लेके चलते हैं बकरों को डालने के लिए। अब इस टाइम बकरे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, तो बिल्लियों को डालने के बाद हम चलते हैं बाहर बकरों की तरफ। हाँ भाई, वो देखें, वो सबसे पहले इधर आ, चल इधर। इसमें ये पड़ा हुआ है तो इसमें नहीं डाल रहा, इस टाइम सारी इसी में डालूंगा। और थोड़ी सी ये बच्चों के लिए यहाँ पे रख देंगे नीचे, और यहाँ पे भी नहीं बल्कि इसे और अंदर ही रखेंगे, जिससे और कोई इन्हें परेशान ना कर सके। बच्चे नीचे से खा रहे हैं अभी, मैं बल्कि इन्हें और डालूंगा। इस टाइम सिर्फ एक ही, क्योंकि ये पड़ा है डब्बा पट्टी का, तो थोड़ा सा और भर के लाता हूँ। इसमें ये थोड़ा सा और डाल देते हैं पट्टी का, बल्कि इसमें से निकालेंगे थोड़ा सा और। ये हम बच्चों के लिए रख देंगे नीचे। जा आ जा, जाओ खा लो, आओ इधर आओ, जाओ। तिरंगी पत्ती खा रही है, बाकी सब इतने बड़े हैं कि ऊपर से खा सके। और अभी मैं इनको रोटी भी खिलाऊंगा, और उधर बत्तख को देखें। अभी हम फिलहाल बच्चों को रोटी खिलाने की प्रैक्टिस नहीं सॉरी बच्चों के लिए रोटी लेके आते हैं हम फिलहाल। ये एक रोटी सबसे पहले हम इसको खिलाएंगे, पर ऐसे नहीं खिलाएंगे हम इसे, मतलब इसके ना छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के, क्योंकि ये कमज़ोर बहुत हो गई है, तो इसे एक प्रॉपर डाइट मिल जाएगी। और रोटी क्योंकि पकी हुई भी होती है, और फिर गेहूँ इसमें ब्रोकन फॉर्म में होता है, सॉलिड नहीं होता, तो दाना खिलाने से बेहतर रोटी है, क्योंकि हजम भी आसानी से हो जाती है। हाँ, मैं इसको ये वाली पूरी रोटी खिलाऊंगा एक ऐसे ही। अबे तुम तो हट जाओ मुर्गियों, ये देखें सारी मुर्गियाँ आ गई यहाँ पर, जबकि इन सबके पोटे इस टाइम भर रहे हैं, पूरे पोटे भर रहे हैं इनके। जब भी देखें उसकी मुँह से चुराना चाह रही है। ओए भाग यहाँ से, चल चलो भागो यहाँ से। एक रोटी इसको खिलाऊंगा, एक दूसरी वाली बच्ची को खिलाऊंगा, और अभी पहले इसको पूरी रोटी खिला लूँ, फिर आपको वो वाला पार्ट दिखाता हूँ। तो मैं इस वाली को भी ले आया हूँ साथ के साथ उठा के, क्योंकि एक ही बार में पहले आधी रोटी इसको खिला देंगे, फिर आधी उसको खिला देंगे। वो जब तक चबा रही है ना, उससे चबता धीरे धीरे है, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर हो गई है ये। ले तुम भी खा लो, जाओ, क्या याद रखोगे। दे रहा हूँ लो, हटो, ऐसे बदतमीजी नहीं होगी। लो, ये पहले से बेटर हो गई है, जब मैं दिल्ली से आया था तो ये बहुत कमज़ोर हो गई थी। वो देखें, वो अभी तक चबा ही रही है, पर उसे भी देंगे हम। ये लो, इसे देखें मुर्गी के ऊपर बैठ के वेट कर रहा है। ले, बकरी के ऊपर, सॉरी। ये देखें, ये ले, ये दूसरा मुर्गा है हमारा। इधर देख, नीचे कूद गई पागल। ले, अच्छा ले, तू ले, ले ये दूसरी बच्ची है, सभी दे देते। ले, देख, अभी एक रोटी बची है, मैं वो भी लेके आता हूँ, और फिर नीचे चलते हैं, रोज़े इफ्तार का भी टाइम हो रहा है। तो इसमें ब्रेड बची हुई है थोड़ी, रोटी मैं ले आया हूँ, अभी खिलाते हैं इनको। ये देखें खा रही है, और इसमें ये ब्रेड बची हुई है थोड़ी सी, ये मैं डाल देता हूँ मुर्गियों को, मुर्गियों को, बत्तखों को, ये सब खा लेंगी। ओए बकरो, तुम हट जाओ ना, खाने दो यार। इसमें मुर्गियाँ बत्तख सब खा जाएंगी, और देखें बत्तखें मार रह गई,
इन्हें आगे भेजता हूँ। चलो 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 उधर जाओ जाओ, हटो, हे हट जाओ, आने दो मुर्गियों को। देखें बत्तख और मुर्गियाँ सब इसको कंप्लीट करेंगी। हम फिलहाल चल के रोटी खिला देते हैं इनको। ले थोड़ा थोड़ा खा। ये रोटी ना असल में ताज़ी है, इस वजह से थोड़ा सा सख्त लग रही है ना, क्योंकि बासी रोटी जानवरों के लिए बेस्ट रहती है, वो हल्की सी मुरझा सी जाती है ना, और टूटती भी बहुत आसानी से है। वो ले भाई, और इसका नाम मैंने नूरी रख दिया है, और दूसरी वाली का नाम भूरी। एक सब्सक्राइबर का ही कमेंट था हमारे कि नूरी और भूरी, तो वो वाला नाम मैंने फाइनल कर लिया इनके लिए। इसका नाम नूरी, इसके सींग है, और जो दूसरी थी उसका नाम भूरी। हाँ तुम सबसे पहले चोरी कर लो, चोर मैं पहले गेट बंद कर दूँ, वरना ये अंदर घुसते रहेंगे। पत्ती पड़ी हुई है वो नहीं खाई जा रही तुम लोगों से, और अब ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होती जा रही है धीरे धीरे। हटो हटो हटो, चलो चलो दोनों साइड हटो। ले बेटा ले ले, तू खा ले। हंटर यहाँ पे, ये पिटके मानोगे अब तुम दोनों, पिटके मानोगे। चलो 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 हटो। अब इसको मैं ये पूरा खिला देता हूँ और एंड करते हैं इसी के साथ व्लॉग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अल्लाह हाफिज़। अभी ये फ़िलहाल के लिए हमने इनको खिला दिया है, और अब हम आएंगे शाम को, और शाम को फिर इनको दाना डालेंगे, और भी जितनी चीज़ें हैं वो शाम को कंटिन्यू करते हैं। ये इज़राइल भाई कर रहे हैं तराई इस टाइम। अब ये शाम का टाइम, रात का टाइम है। इज़राइल भाई पूरे जो भी नई बने हुए हैं, जितनी भी चीज़ है, ईंटें, कॉलम, दीवार, सब पे इज़राइल भाई तराई कर रहे हैं इस टाइम। दीवार की मजबूती होती है, मजबूती होती है। और फिलहाल हम बकरों के लिए दूध लेके आए हैं, इसको ऊपर लेके चलते हैं, और ये बिस्किट कुत्तों के लिए रात के लिए। अब हम ऊपर आ गए हैं, तो बिल्लियों के बच्चे देखें सब, दूसरी वाली बिल्ली के भी और इसके भी सब एक साथ ही बैठने लगे हैं। अब इन्हें तो थोड़ी देर बाद करेंगे जो भी है, अभी इनका ड्राई भी पड़ा हुआ है, रात को इन्हें कलेजी डालेंगे। अभी बाहर बकरों का हाल देखते हैं क्या है। हाँ भाई क्या हाल है, इसलिए निकाल दी इन्होंने, मैंने छेद में फंसा रखी है, ये नया ही बनवाऊंगा इनका पूरा। ये फिलहाल देखें खा ली इन्होंने पत्ती जो भी मैंने डाली थी, अब इन्हें दाना डालेंगे। पहले इन्हें ही फारिग कर देते हैं दाना डाल के। इस पूरे में हमने चने भर लिए हैं, और गेट खोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही हाथ से, खुल गया गेट। और अब पहले इन्हें चने खिलाएंगे। इसमें मेजॉरिटी जो है मैं इसमें डाल दूंगा, और बचा हुआ इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मुर्गियों को भी डाल दिया। इस टाइम आप देखें बकरे अपना खा पी के आराम से बैठ चुके थे। अब मैं इनके लिए पिलाने के लिए लेके आया हूँ दूध। इसमें मैंने कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स दोनों मिला दिए हैं। वही इधर दे दो, गंदी कर दी, इसको भी साफ करके लाते हैं पहले, फिर इनका नया पानी भी भर के रखेंगे। अब ये वाली जो बच्ची है तो ऐसी पी लेगी दूध थोड़ा सा,
देखें आप जिसे चेक करें, पहले मैं इसे मिला लूँ ज़रा अच्छे से। इसे तो ये देखें ये आ गई मेरे पास, ले थोड़ा सा पी ले। अच्छा बस ठीक है, चल हो गया, बस इतना ही पीना था, ले तू भी पी ले, हट जा, तू तो हट जा बेटा इसे। अबे यार जंगली, ये जितना पी सकती है पी लेगी। अब बाकी जो है हम इसको पिलाएंगे, इसको छोटी वाली को। एंटर तो पिएगा, लाइगर सॉरी पिएगा। हाँ ये देखें इसको ऊपर चढ़ा जा रही है, हट जा, ले लाइगर पी ले, शाबाश, नाटक कर ले तू। अब लाइगर को पिला देते हैं, उससे नहीं पी रहा, इससे ज़रूर पी लेगा, पर सिरिंज से डायरेक्ट नहीं पीना, नवाबी शौक है। अब इसको देखते हैं पियेंगे नहीं पियेंगे। खालू पी लो, ले तू पी ले। इसने भी पी लिया है। पिएगा तू, पिएगा तू, पिएगी अच्छा, ले तू पी ले। अब बच्चों को हमें पकड़ के पिलाना पड़ेगा। इसी के साथ एंड करते हैं आज के ब्लॉग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।